अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू द नदर व्लॉग। यार काफ़ी अरसे के बाद हम व्लॉग बनाने जा रहे हैं और ये हल्का नहीं समझना, ठीक है। वो मेरे पास फुटेज पड़ी है सवाबी की, तो मैंने सोचा कि फाइनली उसे अपलोड किया जाए, क्योंकि आजकल कोरोना चल रहा है तो सारे घरों में बैठ के बोर हो रहे होंगे, और तो मैंने सोचा आप लोगों को इंटरटेन किया जाए, ठीक है। तो मेरे पास पड़ी है सवाबी की फुटेज। मैं गया था 8 जनवरी 2020 को, मैं गया था सवाबी, शॉर्ट ट्रिप था 2 डेज़ का, और उसकी मैंने फुटेज बनाई है। तो अब जाके मैंने सोचा कि अब अपलोड की जाए। और ये मर्च इमाद बुखारी बेस्ट ब्रो फ्लो गुड फ्लो के साथ हाजिर हैं हम अपने ब्लॉग में। तो ये उनकी मर्च है, स्वीट शर्ट है, इसका रिव्यू तो हम देंगे अगली वीडियो में। तो अभी आप जाके ब्लॉग देखें सवाबी का। हम यहीं पर हैं, काफ़ी टाइम से हमारी बातें नहीं हुई इस तरह की, तो हम बातें भी करेंगे और ब्लॉग भी बनाएंगे इंशाल्लाह। तो आप जाके ब्लॉग देख लें। हाँ जी गाइस, तो अभी हम फाइनली पहुंच गए सुबह के 7:30 बजे से लेके अभी के अभी टाइम जो हो रहा है वो 3 बज गए, और अभी मैं पहुंचा हूं। तो अभी हम खाना फोड़ रहे हैं और फिर उसके बाद मिलते हैं। चल अच्छा, तो गाना हमने सही दबा के गाया और इसके बाद हम निकले हर्ण म्यूज़ियम की तरफ, क्योंकि हमारे पास टाइम था तो हमने सोचा कि शाम तक हम हर्ण म्यूज़ियम होके आ जाए। तो हम निकले हर्ण म्यूज़ियम की तरफ, तो आप लोग वो भी चेक कर लें। हर्ण म्यूज़ियम के अपने वाइब्स हैं, वहाँ पर बस खामोशी, दूर दूर तक कोई नज़र नहीं आता। बहुत बेस्ट जगह है यार, मतलब कि मैं क्या कहूँ, मजे हैं ब्रो, मजे फुल, देख लो। हाँ गाइस, तो अभी हम ये हंड म्यूज़ियम, ये मेरे पीछे रहा हंड म्यूज़ियम, और यहाँ पर ये हंड आप देख लें जो जहाँ पे पत्थर वगैरह हैं, तो बस वैसे ही घूमने आए हैं। और इसके बाद फिर वापस इसे अबासीन हंड कहते हैं। हंड बाकी में हंड है, और इनका पानी जो आता है ये तरबेला डैम से आता है और दरेसिन की तरफ जा रहे हैं। बस वापस जा रहे हैं घर,
और ये डे वन है, डे टू कल होगा। मेरे 2 दिन का यहाँ पे स्टे है, तो इंशाल्लाह डे टू में जो दिखाया जा सकेगा वो भी आपको। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, ये है हमारा डे टू इन सवाबी, लास्ट डे ऑफ माई ट्रिप, देन गो बैक टू होम ब्रो। वाओ इंग्लिश क्या कह रहे हो लड़के, मास्क के जामा। अच्छा तो बात पे आते हैं, दिस जनवरी का महीना था और काफ़ी सर्दी थी यार, मेरे हाथ रेड हो गए थे व्लॉगिंग करते करते, मेरे काफ़ी ज़्यादा सर्दी थी। हाँ भाई, तो ये रहा आज का दिन हमारा सवाबी में, लास्ट डे, और बस उसके बाद मैं घर आ गया हूँ, और घर के बाद बस फिर मैंने रेस्ट किया, मुझे नींद आ गई थी काफ़ी, मैं सो गया था और मैं काफ़ी ज़्यादा थक चुका था लिटरली कि मैं सो रहा था कल। तो बस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, उम्मीद है आप लोग पसंद आए होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे इंशाल्लाह, तब तक के लिए हाफिज़। और व्लॉग आते रहेंगे तो आप जुड़े रहिए, जुड़ोगे तो जानोगे।